अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो क्वेश्चन जो है वो टेबलेट की टेस्टिंग के ऊपर है। तो देखिए टेस्टिंग से ये तो समझ में आ रहा होगा कि सर टेबलेट की जो टेस्टिंग होती है वो तो क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के अंदर होती है, तो ऐसा नहीं है। जब टेबलेट का प्रोडक्शन होता है या कैप्सूल का प्रोडक्शन होता है तो उस समय भी जब टेबलेट का प्रोडक्शन होता रहता है तब भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर भी कुछ टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। उन टेस्ट के रिजल्ट के बेसिस पे वो ये पता करते हैं कि जो टेबलेट का प्रोडक्शन हो रहा है वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कंप्रेशन मशीन सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, जो जितनी भी मशीन से वहां पर चाहे वो आपके ड्राई ग्रेन्यूल आपका ड्रायर हो या आपने वहां पर कोई फिल्ट्रेशन यूनिट का यूज किया हो या कोई मिक्सिंग यूनिट का आपने यूज किया हो या आपने एक तरीके से जो आपने कोटिंग मशीन का यूज किया होता है तो वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, इसके लिए वहां पर कुछ टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं जिसे हम इन प्रोसेस टेस्ट करते कहते हैं। तो इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब टेबलेट का प्रोडक्शन होता है तो उस समय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर कौन से इन प्रोसेस टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। साथ ही साथ जब कैप्सूल का प्रोडक्शन होता है तो कैप्सूल के समय भी मतलब कैप्सूल के प्रोडक्शन के समय भी किस टाइप के इन प्रोसेस टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको टेबलेट के इन प्रोसेस टेस्ट के बारे में बताता हूं कि वो कौन कौन से टेस्ट हैं जो टेबलेट प्रोडक्शन के समय परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये टेस्ट है, सबसे पहले अपीयरेंस, टेबलेट का अपीयरेंस चेक किया जाता है। ग्रुप वेट, टेबलेट के ग्रुप का वेट चेक किया जाता है कि जो वेट है टेबलेट का वो सही है कि नहीं है। तो पूरा एक ग्रुप टेबलेट का एक पूरा बंच ले लिया जाता है, 20 टेबलेट 50 टेबलेट, और उस ग्रुप के हिसाब से टेबलेट का वेट किया जाता है। उसके बाद टेबलेट का इंडिविजुअल वेट वेरिएशन चेक किया जाता है कि टेबलेट का जो वेट है वो चेंज तो नहीं हो रहा है, सभी टेबलेट का वेट एक जैसा होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट, टेबलेट की यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट चेक किया जाता है कि सभी टेबलेट जो है वो सेम वेट की बन रही है कि नहीं बन रही है। थिकनेस चेक की जाती है, डायमीटर चेक की जाती है, हार्डनेस, फ्राइबिलिटी, स्पीड ऑफ मशीन, कॉम्पैक्शन फोर्स चेक किया जाता है, डाई फिल डेप्थ को चेक किया जाता है और डिसइंटीग्रेशन टाइम चेक किया जाता है। तो ये वो सारे टेस्ट हैं जो कि टेबलेट के प्रोडक्शन के समय ही परफॉर्म किए जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि कैप्सूल का जब प्रोडक्शन होता है तो उस समय कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, कैप्सूल के इन प्रोसेस टेस्ट आपको बताता हूं। तो यहां पर भी अपीयरेंस चेक किया जाता है, ग्रुप वेट ऑफ फिल्ड कैप्सूल चेक किया जाता है, इंडिविजुअल वेट ऑफ फिल्ड कैप्सूल चेक किया जाता है, नेट फिल कंटेंट ऑफ द पाउडर चेक किया जाता है, लॉकिंग लेंथ को चेक किया जाता है और डिसइंटीग्रेशन टाइम को चेक किया जाता है। तो ये वो सारे टेस्ट हैं जो कि कैप्सूल के प्रोडक्शन के समय चेक किए जाते हैं, या इसे आप कैप्सूल के इन प्रोसेस टेस्ट भी कह सकते हो। अगला जो प्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिकली तो ये फ्रेशर्स से भी पूछा जाता है और कई बार एक्सपीरियंस कैंडिडेट से भी पूछा जाता है और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है कि बैच पैकेजिंग रिकॉर्ड क्या होता है। देखिए बैच पैकेजिंग रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, तो इसका आंसर आपको यह देना है कि जैसे कि हमको नाम से पता चल रहा है कि बैच पैकेजिंग रिकॉर्ड मतलब बेसिकली इसके अंदर अगर कोई इंडिविजुअल यहां पर एक इंडिविजुअल रिकॉर्ड होता है, मतलब कोई इंडिविजुअल बैच है, मान लीजिए कोई टेबलेट आपने बनाई है, उस टेबलेट की पूरी बैच का स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पैकेजिंग से रिलेटेड सारी हिस्ट्री जो होती है वो इस डॉक्यूमेंट के अंदर प्रेजेंट होती है। तो इसके अंदर कौन कौन सी हिस्ट्री होगी, पैकेजिंग से रिलेटेड, जब वो टेबलेट बनना स्टार्ट हुई, बनने से लेकर वो जब तक मार्केट तक पहुंच गई, वहां तक जिस हिसाब से उसकी पैकिंग की गई, पैकिंग के अंदर कौन कौन से मटेरियल का यूज किया गया, उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो बैच पैकेजिंग रिकॉर्ड के अंदर होती है। तो मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है, कि आपने किस टाइप की पैकेजिंग करी, इसमें ब्लिस्टर पैकेजिंग करी, स्ट्रिप पैकेजिंग करी, बोतल पैकेजिंग करी, जार पैकेजिंग करी, ड्राई सिरप अगर है तो ड्राई सिरप फिलिंग करी आपने, तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी। लेबलिंग कौन सी यूज करी, लेबलिंग का फॉर्मेट क्या था, उसके अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपने ऐड करी, जो कार्टून पैकेजिंग करी आपने, मतलब जो कार्टून्स का यूज किया जब आपको ट्रांसपोर्ट करना था आपके प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे, तो आपने कार्टून्स कौन से यूज करे, उसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन आपने रखी। अगर आपने उसकी शिपिंग करी, मतलब जब शिप के थ्रू अगर आपका जो बैच है वो एक देश से दूसरे देश में जा रही है, तो शिपिंग में आपने किस टाइप की पैकेजिंग करी, और डिस्पैच जब हुई तो उस समय भी कौन सी पैकेजिंग का आपने यूज किया। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो पैकेजिंग से रिलेटेड होती है ये आपको बैच पैकेजिंग रिकॉर्ड के अंदर मिलेगी। साथ ही साथ किस किस पर्सन ने कौन कौन सा उसके अंदर रोल प्ले करा, किस किस ने उसको ऑथराइज किया, किसने चेक किया, किस डेट को चेक किया, किस समय उसको चेक करा, हर पर्सन का जो सिग्नेचर होता है वो इस बैच पैकेजिंग रिकॉर्ड के अंदर प्रेजेंट होता है। मतलब सीधे मोटे मोटे मोटा माटी शब्दों में बोलें तो बैच पैकेजिंग रिकॉर्ड के अंदर हमारे जो बैच होती है किसी भी इंडिविजुअल बैच की पैकेजिंग से रिलेटेड सारी हिस्ट्री प्रेजेंट होती है। अगला क्वेश्चन जो है ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और काफी इंटरव्यूज के अंदर पूछा जाता है, वो क्वेश्चन है कि बैच प्रोसेसिंग रिकॉर्ड, जी हाँ,
बैच प्रोसेसिंग रिकॉर्ड, या इसको एक तरीके से एक और वर्ड यूज किया जाता है, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड। जी हाँ, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड क्या होता है, तो इसका जवाब आपको यह देना है कि नाम से आपको पता चल रहा है कि बैच प्रोसेसिंग, मतलब यहां पर किसी भी इंडिविजुअल बैच की में जितनी भी प्रोसेस यूज की जाती हैं उस प्रोसेस से रिलेटेड सारी हिस्ट्री इस डॉक्यूमेंट के अंदर प्रेजेंट होती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हमने कोई टेबलेट का प्रोडक्शन किया, तो टेबलेट के रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश हो जाने तक, पैकेजिंग हो जाने तक, उसको मटेरियल मार्केट तक जाने तक की सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो बैच प्रोसेसिंग रिकॉर्ड के अंदर प्रेजेंट होती है। मतलब टेबलेट जब बनी उसकी कैसे डिस्पेंसिंग की गई, उसका ग्रेनुलेशन कैसे किया गया, उसका कंप्रेशन कैसे किया गया, उसकी कोटिंग कैसे की गई, उसकी पैकेजिंग कैसे की गई, उसकी फिलिंग कैसे की गई, ये सारी इंफॉर्मेशन जो होगी, उसके टेस्ट प्रोसीजर्स जितने भी इन्वॉल्व थे उसके अंदर कौन-कौन से टेस्ट लगाए गए, उनके क्या रिजल्ट आए, ये सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो इस डॉक्यूमेंट के अंदर होती है, जिसे हम बैच प्रोसेसिंग या बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड कहते हैं। साथ ही साथ इस डॉक्यूमेंट के अंदर किस-किस पर्सन ने चेक करा, कब करा, किस डेट पे करा, उन सभी के सील साइन सिग्नेचर इस रिकॉर्ड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड है जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर यूज होता है या इसको जनरेट किया जाता है, जिसे हम बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड या बैच प्रोसेसिंग रिकॉर्ड कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो होता है, वो होगा काफी सिंपल क्वेश्चन है, एसओपी किसे कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर किसे कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आपको बतानी है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एक ऑथराइज्ड रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं किसी ऑपरेशन और एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर एक चीज आपको याद रखनी है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अंदर किसी प्रोसीजर या किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए एक स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर आपको दिया जाता है स्टेप बाय स्टेप, बट यहां पर किसी भी स्पेसिफिक टेस्ट के बारे में आपको नहीं बताया जाता है। अगर आपको किसी स्पेसिफिक ड्रग या स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए अगर कुछ एसओपी चाहिए या इंस्ट्रक्शंस चाहिए तो उसे हम स्पेसिफिकेशंस कहते हैं, जिसको शॉर्ट में इंडस्ट्री में स्पेक्ट भी बोला जाता है। बट एसओपी के अंदर आपको पूरा का पूरा एक तरीके से यूनिवर्सल गाइडलाइन दी जाती है। एग्जांपल के लिए जैसे ये एचपीएलसी रखा है, तो एचपीएलसी को कैसे चलाना है और कैसे ऑपरेट करना है, तो ये आपको पीछे दिख रहा होगा, ये उसकी एसओपी है। बट अगर इस एचपीएलसी के माध्यम से अगर मुझे पैरासिटामोल का ऐसे लगाना है, डाइक्लोफिनेक का ऐसे लगाना है, तो वो एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होंगे जो कि केवल पैरासिटामोल के हैं, तो उसे हम एसओपी नहीं कह सकते हैं, उसको हम स्पेसिफिकेशन कहते हैं। बट ये जो एचपीएलसी को कैसे ऑपरेट करना है ये पूरी यूनिवर्सल गाइडलाइन हो गई, तो इससे केवल आपको एचपीएलसी का ऑपरेट करना सिखाया जा रहा है, तो इसको आप एसओपी बोलोगे। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एसओपी क्या होती है और स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं। ये आपको कभी भी कंपनी के अंदर भी आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है, तो आपको इस तरीके से इसको इलोबोरेट करना है और डिफरेंशिएट करना है। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए पूछा जा सकता है, और वो क्वेश्चन ये है कि एपीआई क्या होता है। एपीआई का फुल फॉर्म होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ये क्या होता है। तो इसका जवाब आपको यह देना है कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एक ऐसे सब्सटेंस, एक ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारी ड्रग की रिएक्शन या उसकी एक्टिविटी के लिए जवाबदार होते हैं। जब हम उसको लेते हैं, हमारी बॉडी के अंदर लेते हैं ड्रग को, तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट ही ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी या हमारे किसी बॉडी के पार्ट पे ड्रग रिएक्ट करती है, अपनी एक्टिविटी शो करती है, किसी भी डिजीज को फैलने से रोकती है और हमारी बॉडी को काम देती है, क्योर करती है। और इस टाइप के केमिकल कंपोनेंट्स को एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो इससे पहले भी मैंने इससे रिलेटेड बात करी भी थी, और क्वेश्चन ये था कि जब हम टेबलेट को बनाते हैं या कैप्सूल को बनाते हैं तो उनके प्रोडक्शन के समय हम कौन कौन से टेस्ट लगाते हैं, जिन्हें हम इन प्रोसेस टेबलेट टेस्ट कहते हैं या इन प्रोसेस कैप्सूल टेस्ट कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे इससे रिलेटेड एक और पूछा जा सकता है कि जब टेबलेट की कोटिंग की जाती है तो कोटिंग करते समय भी टेस्ट लगाए जाते हैं, जिससे ये चेक किया जाता है कि जो टेबलेट या टेबलेट की जो कोटिंग हो रही है वो प्रॉपर तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इन प्रोसेस कोटिंग टेस्ट कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि टोटल 10 तरह के टेस्ट लगाए जाते हैं जिससे कि ये चेक किया जाता है कि जो कोटिंग प्रोसेस चल रही है वो प्रॉपर तरीके से चल रही है कि नहीं चल रही है, सिस्टमेटिक वे में चल रही है कि नहीं चल रही। तो ये टेस्ट होते हैं अपीयरेंस टेस्ट, इनलेट टेम्परेचर, आउटलेट टेम्परेचर, पेन आरपीएम, गन डिस्टेंस फ्रॉम टेबलेट बेड, स्प्रे रेट, वेट गेन, ग्रुप वेट ऑफ
कोटेड टेबलेट्स, इंडिविजुअल वेट्स ऑफ कोटेड टेबलेट्स एंड थिकनेस। तो ये वो सारे टेस्ट होते हैं कि जब टेबलेट की कोटिंग की जाती है तो उस समय टेस्ट लगाए जाते हैं, जिन्हें हम इन प्रोसेस कोटिंग टेस्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो टेबलेट से ही रिलेटेड है, और क्वेश्चन ये होगा कि कंप्रेस, जब टेबलेट का कंप्रेशन किया जाता है तो उस समय कौन कौन से डिफेक्ट्स हो सकते हैं या होते हैं, वो कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं जो कि टेबलेट के कंप्रेशन के समय टेबलेट के अंदर दिखाई देते हैं। तो ये टोटल जो डिफेक्ट्स हैं ये हैं, ये टोटल 16 डिफेक्ट्स हैं जो कि टेबलेट के कंप्रेशन के समय होते हैं, और ये डिफेक्ट्स मैं आपको एक एक करके बताता हूं। पिकिंग, स्टिकिंग, गैपिंग, लेमिनेटिंग, इनमें से काफी जो डिफेक्ट्स हैं इनके बारे में मैं वीडियो में स्टार्टिंग में ही मैंने इन डिफेक्ट्स के बारे में आपको बताया भी था। वेट वेरिएशन, ब्रोकन, चिप्ड, रफ सरफेस, डबल कंप्रेस्ड, रफ एजेस, पाउडरी, इनकरेक्ट डिस्क्रिप्शन, ब्लैक स्पॉट, ऑयल स्पॉट, फॉरेन प्रोडक्ट और डीबोजिंग और इम्बोजिंग। तो ये वो सारे डिफेक्ट्स हैं जो कि टेबलेट के कंप्रेशन के समय दिखाई देते हैं या हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि टेबलेट से रिलेटेड है, और देखिए ज्यादातर प्रोडक्शन से रिलेटेड, अगर आप प्रोडक्शन के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो ज्यादातर क्वेश्चन जो होंगे वो टेबलेट से रिलेटेड ही होने वाले हैं, उसके डिफेक्ट से रिलेटेड होने वाले हैं, उनकी इन प्रोसेस से रिलेटेड होने वाले हैं, उसके प्रोडक्शन से रिलेटेड होने वाले हैं। इसीलिए मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन में जितने भी क्वेश्चन सम्मिलित करे हैं वो ज्यादातर टेबलेट से रिलेटेड ही हैं।